हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। KVM के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अजय कुमार विद साइंस, हम पढ़ा रहे हैं 10th क्लास का चैप्टर नंबर 6, रासायनिक अभिक्रियाएं और उत्प्रेरक। तो हमने अब तक ये पढ़ा कि रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं, यानी किसी भी पदार्थ में होने वाला रासायनिक परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो परिवर्तन हमें दो तरह से पढ़े थे, एक तो था भौतिक परिवर्तन, एक था रासायनिक परिवर्तन। यानी जो कुछ परिवर्तन होते हैं वो स्थायी होते हैं, परमानेंट होते हैं, तो उन्हें हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ की संगठन, यानी उसकी जो प्रकृति होती है, संगठन होता है, वो बदल जाता है और नया ही उत्पाद बनता है। जबकि भौतिक परिवर्तन अस्थायी होते हैं, उनमें पदार्थ की संगठन नहीं बदलता है, यानी वो वापस से अपने पुरानी अवस्था में भी आ सकते हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, इनके प्रकार पढ़ेंगे आज हम। आज हमारा टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, ठीक है। तो ये कई तरह से वर्गीकृत किया गया है इनको। जैसे हम मैन की पढ़ते हैं, योगात्मक अभिक्रिया, इसको योग अभिक्रिया भी कहते हैं। ये नाम से पता चल रहा है, एडिशन रिएक्शन है। इनमें अभिकारक आपस में जुड़ते हैं और एक नया उत्पाद बनाते हैं, तो इन्हें हम योग अभिक्रिया भी कहते हैं, योग अभिक्रिया भी कहते हैं। सेकंड है, इसके विपरीत अभिक्रिया है, यानी इसमें तो जुड़ते हैं। और दूसरी जो अभिक्रिया हम पढ़ेंगे वो है अपघटन अभिक्रिया, डिसोसिएशन रिएक्शन भी बोलते हैं इसको, अपघटन या विघटन अभिक्रिया भी बोलते हैं इसको, विघटन अभिक्रिया भी इसको बोलते हैं। तो इस तरह से अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ते हैं। तो विघटन अभिक्रियाएं हमारी क्या होती हैं, तीन तरह से होता है विघटन। एक तो जैसे विद्युतीय अपघटन, ठीक है। दूसरा प्रकार होता है तापीय अपघटन, यानी दो तरह से। एक तरह से और होता है जिसे हम क्या कहते हैं, उष्मीय अपघटन, यानी हीट देते हैं हम। एक तो टेम्परेचर होता है, एक होता है उष्मीय अपघटन। तो इस तरह से अपघटन तीन तरह से होगा, हम इसे डिटेल बाद में पढ़ेंगे, पहले इनके प्रकार बता रहे हैं। तो तीसरी अभिक्रिया है हमारी विस्थापन अभिक्रिया। बिल्कुल ईजी है, एक दो एग्जांपल लेंगे, 19 को लेकर हमने चलेंगे, ताकि आसान रहे याद करना। क्योंकि 10th क्लास में प्रॉब्लम होती है छोटे बच्चों को, कि जैसे मान लो बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, सर कहाँ कहाँ तक कितनी अभिक्रियाएं याद करें। तो आप मेन अभिक्रियाएं हैं पूरे चैप्टर में, उन्हीं को लेकर चलेंगे, ताकि आसानी से एग्जाम्पल भी याद हो जाए हर अभिक्रिया के। तो विस्थापन अभिक्रिया, नेक्स्ट है द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। इसके बाद ये तो हो गई अभिक्रिया, योग अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, दोनों एक दूसरे के विपरीत होती हैं। विस्थापन, इसमें किसी एक अणु का विस्थापन होता है, और जबकि द्विविस्थापन में दो अणुओं का विस्थापन, यानी दो आयनों का विस्थापन होता है, यानी उनकी अदला बदली होती है, तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद जो अलग तरीके से वर्गीकरण किया गया है, जैसे अभिक्रिया की गति के आधार पर वर्गीकरण, तो ये पांचवा प्रकार है हमारा। तो ये दो तरह की होती हैं। फर्स्ट है तीव्र अभिक्रियाएं, और सेकंड है मंद अभिक्रियाएं, यानी ऐसी अभिक्रियाएं जो कुछ ही सेकंड के पलों में भी या कुछ सेकंड में संपन्न हो जाती हैं, फास्ट रिएक्शन कहलाती हैं। और कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती है जिनको संपन्न होने में कई घंटे, कई दिन या कई हफ्ते लग जाते हैं, तो वो स्लो रिएक्शन कहलाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है ऊर्जा के आधार पर, ये दो तरह की होती हैं। ऊर्जा के नाम से पता चल गया होगा कि दो तरह की होती है, यानी इसमें ऊर्जा, एक में तो ऊर्जा बाहर निकले और दूसरे में ऊर्जा देनी पड़े, यानी इसको ऊष्मा के आधार पर भी बोल सकते हैं या ऊर्जा के आधार पर भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होती है, ऊष्मा ऊर्जा निकलती है, तो क्या लिख सकते हैं,
ऊष्मा ऊर्जा, छठा जो प्रकार है ऊष्मा ऊर्जा के आधार पर। ये दो तरह की होती है, कौन कौन सी? फर्स्ट है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंडोथर्मिक, और सेकंड होती है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ये सॉरी एक्जो होती है, एक्जो यानी बाहर निकलना, एक्जोथर्मिक, ठीक है। इसके बाद है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, इसको एंडोथर्मिक बोलते हैं, एंडोथर्मिक अभिक्रिया। तो ऊष्मा क्षेपी यानी वह अभिक्रिया जिसमें से ऊर्जा बाहर निकलती है, जब कोई नया उत्पाद बनता है तो उसे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनाने के लिए हमें ऊर्जा अपनी तरफ से देनी होती है यानी जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, वो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। तो इसके वे छह प्रकार हो गए। तो सातवां प्रकार है इसमें ऑक्सीकरण डैश अपचयन अभिक्रियाएं, ठीक है। इन्हें क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रियाएं भी कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन, है ना। तो ऑक्सीकरण अपचयन भी कई तरह से होता है, हाइड्रोजन के आधार पर, ऑक्सीजन के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन, जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता है, किसी में हटता है, किसी में ऑक्सीजन जुड़ता है, ऑक्सीजन हटता है, उस आधार पर रेडॉक्स अभिक्रियाएं भी कई तरह से होती हैं, हाइड्रोजन के आधार पर, ऑक्सीजन के आधार पर रेडॉक्स अभिक्रियाएं होती रहती हैं। तो इस तरह से ये इनका अभिक्रियाओं का वर्गीकरण किया गया है। तो हम आज हम पढ़ेंगे, मैन यहाँ से शुरू करते हैं, योगात्मक अभिक्रिया या योग अभिक्रिया या एडिशन रिएक्शन। हमारे जो पहले प्रकार है योगात्मक अभिक्रिया या योग अभिक्रिया या एडिशन रिएक्शन, पहले देखो इसको समझो क्या होती है। एडिशन यानी योग होना, जैसे मान लो वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पदार्थ या अभिकारक अणु आपस में जुड़कर एक नया उत्पाद बनाते हैं ए बी, यानी एक ही उत्पाद। अब यहाँ पर देखो अभिकारक के तो कितने अणु हैं, एक और दो, उत्पाद का कितना बना, ये एक ही अणु बना है, एक ही अणु, और यहाँ पर कितने थे, दो अणु। अब ये तीन भी हो सकते हैं, जैसे मान लो ए बी सी, तीन अणु मिलकर क्या बनाए, एक ही बनाए, ए बी और सी प्रकार का, यानी वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक के अणु आपस में जुड़कर एक ही यानी एक नया उत्पाद बनाते हैं, नया उत्पाद बनाते हैं, तो वो अभिक्रियाएं योगात्मक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो इनकी विशेषता क्या हो गई कि इनमें जब ये दो अणु आपस में जुड़ेंगे तो एक नया बंध बनेगा, यानी इनमें नए बंधों का निर्माण होता है, उस बंध के द्वारा ये दोनों ए और बी जुड़ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर ए और बी सी आपस में जुड़ गए, है ना, नए बंधों का निर्माण होता है। दूसरी बात, इसमें एक नया उत्पाद ही बनता है, यानी इसके गुण अलग होते हैं और इसके गुण अलग होते हैं। तो हम जैसे इस आधार पर हम इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, क्या परिभाषा होगी, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक अणु या परमाणु भी हो सकते हैं आपस में जुड़कर एक नया उत्पाद नया प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उन्हें योग या योगात्मक अभिक्रियाएं
कहते हैं। तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन योगात्मक अभिक्रियाओं की। तो नोट्स भी आप साथ साथ बनाते चलना टेंथ क्लास के। जैसे ये डेफिनेशन है, यानी ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक अणु परमाणु आपस में जुड़कर एक नया उत्पाद बनाते हैं उन्हें योगात्मक या संयुग्मन या योगशील अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे उदाहरण में एक ये हमारा एक अणु है ए, ठीक है, दूसरा अणु हमने लिया बी, ये दोनों क्या कहलाते हैं अभिकारक, अभिकारक रिएक्टेंट हमने अभिक्रियाओं में पढ़े थे। तो ये तीर का निशान है, ये एक तरफ को इंडिकेट करता है कि हमारे अभिकारक अणु अभिक्रिया करके उधर की ओर नया उत्पाद बनाएंगे। तो नया उत्पाद क्या होगा ए और बी दोनों को जोड़ देंगे तो ये क्या बन गया उत्पाद, ठीक है। तो इसमें देखो अभिकारक आपस में जुड़े तो इसे योगात्मक या संयुग्मन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कोई और एग्जाम्पल इसकी विशेषता क्या हो गई तो ये लिख सकते हैं इसमें नया उत्पाद बनता है। अगली विशेषता क्या हो गई इसमें नए बंध का निर्माण होता है, ठीक है। तो जैसे और उदाहरण ले हम, यहाँ पर मेन एग्जांपल है वही लेंगे, बार बार उन्हीं को आप लिख सकते हो। यहाँ पर हमने लिया मैग्नीशियम धातु, इसकी अभिक्रिया कराई हमने ऑक्सीजन गैस से, ठीक है, ये मैग्नीशियम है ये ऑक्सीजन है, दोनों क्या है हमारे अभिकारक के अणु, अभिकारक, ठीक है, दोनों अभिक्रिया करते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO बनता है। इसका नाम क्या हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड ये क्या है हमारा उत्पाद है, प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। अब ये अभिक्रिया हो गई, योग हुआ है, अब हमें संतुलित करना तो आता ही है। हमने इससे पहले वाले उसमें जो हमारा अभिक्रियाओं का जो प्रकार था उसमें हमने पढ़े थे कि दोनों ओर अणुओं की संख्या बराबर करते हैं, परमाणुओं की संख्या यानी भार उसका बराबर करेंगे। तो यहाँ पर देखो एक मैग्नीशियम है यहाँ पर एक है, तो मैग्नीशियम तो बराबर है लेकिन ऑक्सीजन बराबर नहीं है, ऑक्सीजन यहाँ पर दो है यहाँ पर एक है, तो क्या करें कि उधर भी दो हो जाए तो हम आगे क्या लगा देते हैं दो लगा देते हैं, ठीक है। अब देखो दो लगाने से मैग्नीशियम दो हो गए यहाँ पर एक ही है तो क्या करें इसके आगे भी दो लगा दें, तो ये हमारी संतुलित अभिक्रिया हो गई है। इनकी भौतिक अवस्थाएं लिखें तो ये तो मैग्नीशियम होता है ठोस, ये होता है गैस और ये होता है ठोस, ऐसे लिख देते हैं सॉलिड, तो ये योगात्मक अभिक्रिया हो गई। अब यही एग्जाम्पल हम नेक्स्ट अभिक्रिया में भी लेंगे, वहाँ भी आप इसको लिख सकते हो, है ना, इसको उल्टा करके लिख देना, इसको इधर लिखना इसको उधर, इसमें अपघटन अभिक्रियाओं में एक एग्जाम्पल ये हो गया। और भी एग्जाम्पल लिख सकते हो यहाँ पर, जैसे मान लो हमने यहाँ पर लिख दिया कार्बन प्लस में ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं CO2, ठीक है, ये हमारा सॉलिड है ये हमारा गैस है और ये हमारी गैस है, ठीक है, संतुलित है पहले से ही। ये अभिक्रिया कहलाती है योगात्मक अभिक्रिया, अभिकारक और ये हमारा बन गया उत्पाद। तो ध्यान रहे उत्पाद का एक ही अणु होता है, एक ही अणु होता है, क्या होता है एक ही अणु होता है। ये नहीं कि योगात्मक अभिक्रियाओं में हम देखें कि हमारे जैसे मान लो तीन जुड़ गए तो हमारे दो अणु बने, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पर, ऐसे नहीं करना है कि ए प्लस में बी प्लस में सी ये हमारे तीन अभिकारक के अणु हैं, ठीक है, अगर ये जुड़कर ऐसे बना देते हैं ए बी ये दोनों एक साथ जुड़ गए प्लस में सी तो ये योगात्मक अभिक्रिया नहीं होगी, योगात्मक अभिक्रिया नहीं होगी, बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि हमने परिभाषा में पढ़ा है कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक, दो भी हो सकते हैं दो से अधिक भी हो सकते हैं,
अणु या परमाणु आपस में जुड़कर एक नया, अंडरलाइन कर लो, एक नया यानी नया संख्या में कितना, एक, एक नया उत्पाद बनाते हैं, उन्हें योगात्मक या संयुग्मन अभिक्रियाएं कहते हैं। तो इसलिए ऐसे लिखना क्या होगा, गलत होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो उत्पाद बन गए, ए बी और एक सी अलग बन गया, तो हमें एक ही उत्पाद बनाना है, ठीक है। तो ये हमारी योगात्मक अभिक्रिया हो गई। एग्जाम्पल्स और भी होते हैं, आप इनको ही लिख लो, इनका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ये हमारा योगात्मक अभिक्रिया कंप्लीट हो गई है और बाद में एग्जाम्पल करा देंगे इसके। इसके बाद है नेक्स्ट अभिक्रिया है अपघटन अभिक्रियाएं या विघटन अभिक्रियाएं, जिनको डिसोसिएशन रिएक्शंस कहते हैं। तो इनकी मेन जो पहली विशेषता क्या होती है कि वो तो आप पहले क्लियर आगे लिख देना, ये अभिक्रियाएं योगात्मक अभिक्रियाओं के विपरीत होती हैं, ठीक है, ये विपरीत होती हैं, तो इन्हें अपघटन अभिक्रियाएं कहते हैं। यानी अपघटन अभिक्रियाओं की डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक के अणु टूटकर या अपघटित होकर छोटे-छोटे नए एक से अधिक अणुओं का निर्माण करते हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक के अणु टूटकर या अपघटित होकर छोटे-छोटे नए एक से अधिक अणुओं का निर्माण करते हैं, उन्हें अपघटन या वियोजन अभिक्रियाएं कहते हैं। ये हो गई इसकी डेफिनेशन, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या करते हैं, जैसे हमारा कोई एक अणु है जिसमें ए और बी ये दोनों जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये क्या है, हमारा अभिकारक अणु। संख्या में कितने हैं, ये संख्या में एक है, क्या है, एक है। अब जब अभिक्रिया होती है आगे की ओर, तो ये टूटकर दो टुकड़े बना लेते हैं, ए प्लस में बी, तो यहाँ पर उत्पाद कितने बन गए, दो, ये क्या है, उत्पाद, और ये क्या थे, अभिकारक के अणु। अब देखो इससे पहले हमने क्या पढ़ी थी अभिक्रिया, यहाँ पर ए था और ये बी था, दोनों मिलकर क्या बनाया, ए और बी, दोनों में अंतर क्या है, दोनों विपरीत हो गई, उल्टा हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि ये अभिक्रियाएं किनके विपरीत हैं, योगात्मक अभिक्रियाओं के विपरीत होती हैं, ठीक है, विपरीत हो गई। अब इसमें एक चीज और होती है कि उसमें तो योगात्मक अभिक्रियाओं में नया बंध बन रहा था, यहाँ पर क्या होता है, बंध टूटता है, जिससे क्या होंगे, अभिकारक के छोटे छोटे अणु होकर उत्पाद में बदल जाते हैं। तो जैसे हम इसका ये एग्जाम्पल है, ये लिख लेना इसको। तो अब देखो अपघटन किसके कारण होता है,
हम एग्जांपल लिख सकते हैं, उसी को उल्टा करके लिख दो। हमने ये लिखा था MgO, ये किस में बदल जाता है, मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन में, ये तो ये क्या हो गई अपघटन। उसी अभिक्रिया को हमने उल्टा लिख दिया। दूसरा एग्जांपल क्या था, CO2 का अपघटन हुआ किस में, कार्बन प्लस में ऑक्सीजन में, तो ये भी क्या हो गई अपघटन। दूसरा एग्जांपल याद करने की जरूरत नहीं पड़ी, उसी को यहाँ पर आकर रख दो। अब देखो ये अपघटन कई कारणों से होता है, अपघटन सूर्य के प्रकाश में भी हो सकता है, अपघटन यदि हम इनको गर्म करें या ताप दें, टेम्परेचर बढ़ाएं तो भी अपघटन हो सकता है, है ना, हीट दें तो भी अपघटन हो सकता है, विद्युत अपघटन यानी इनमें करंट को प्रवाहित करें तो भी अपघटन हो सकता है। तो इस आधार पर अपघटन अभिक्रियाएं तीन प्रकार की होती हैं, तो नीचे लिख लो अपघटन अभिक्रियाएं तीन प्रकार की होती हैं, ठीक है। तो इसमें हम कौन से लिखेंगे, फर्स्ट लिखेंगे ताप अपघटन या विद्युत अपघटन, किसी को भी लिख सकते हैं। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद हम इसके अपघटन अभिक्रियाओं के प्रकार बताएंगे। तो ये जो लाइन है ये वाली, ये तो दोनों में ही लिखनी है, पहले वाली अभिक्रिया में भी लिख देना, उसमें क्या लिखोगे कि ये अभिक्रियाएँ योगात्मक अभिक्रियाओं के विपरीत हैं, जबकि वो अभिक्रियाएँ अपघटन अभिक्रियाओं के विपरीत होती हैं। तो ये का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपघटन अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ेंगे। देखो अपघटन अभिक्रियाओं में जो प्रकार है, विद्युत अपघटन यानी इस नाम से पता चल रहा है कि हम यौगिक में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो क्या करते हैं कि इस अपघटन अभिक्रिया में यौगिक की गलित और द्रव अवस्था यानी कोई सी एक हो सकती है, इसमें क्या लिखते हैं, इस अभिक्रिया में यौगिक यानी अभिकारक अणु कोई भी हो सकता है, यौगिक की गलित या द्रव, गलित का मतलब होता है कि जैसे मान लो कोई ठोस यौगिक है उसमें हल्का सा पानी मिला दो तो वो अपघटित हो जाता है यानी घुलने लगता है, तो वो अवस्था गलित कहलाती है, हल्का कम पानी गिरते हैं, गलित या द्रव अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसका अपघटन हो जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे विद्युत अपघटन कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन हो गई कि ये कौन सा अपघटन है, तो अपघटन अभिक्रिया, उसका प्रकार है विद्युत अपघटन, कि जब किसी यौगिक को गलित अवस्था में उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह अपघटित हो जाता है और टूट जाता है। जैसे हम बात करें यहाँ पर कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं NaCl का, NaCl कितने अभिकारक के अणु हैं, एक ही है, हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक है, प्रवाहित करने पर ये क्या बनाता है Na और Cl यानी Na प्लस और Cl माइनस, दो अणुओं में टूट जाता है, तो ये क्या कहलाती है, विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। तो इसमें क्या होता है कि इनको जब जो यहाँ पर माइनस है ये Cl2 के रूप में, इस अभिक्रिया को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मान लो NaCl विद्युत अपघटन कराया, Na प्लस में Cl2 गैस मुक्त हो गई, ठीक है, अब Cl2 दो है तो यहाँ पर दो लगा देते हैं, दो Na, तो ये भी क्या हो गया विद्युत अपघटन, है ना, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये विद्युत अपघटन हो जाता है। ऐसे ही अगला एग्जांपल ले, हम जल का ले देते हैं H2O, लिक्विड स्टेट है इसकी, ठीक है, ये सॉलिड स्टेट एक्वस स्टेट है, इसका जलीय विलयन है, AQ का मतलब क्या होता है, जलीय विलयन है, क्योंकि सोडियम जो ठोस होता है NaCl तो उसमें पानी मिला देते हैं हल्का सा तो तरल हो जाता है, गलित अवस्था में आ जाता है, तो AQ लिखते हैं। यहाँ पर ये क्या हो गया S और ये हो गया G के रूप में यानी गैस के रूप में बाहर
निकलती है। तो H2O लिया, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की, विद्युत धारा वाहित करते हैं तो ये H2 हाइड्रोजन गैस प्लस में ऑक्सीजन गैस मुक्त करता है। ये एक जी है, ये भी जी है, ठीक है। इस तरह से इसको संतुलित करते हैं तो यहाँ पर क्या लगा देते हैं, दो, और यहाँ पर लगा देंगे दो। तो ये संतुलित समीकरण हो गई, तो इसे कहते हैं विद्युत अपघटन अभिक्रिया। तो अब ये देखो, ये जो गैसें निकली हैं ये कहाँ कहाँ होती है, ये क्या होता है जब इसका विद्युत अपघटन करते हैं तो ये अपघटित हो जाता है, टूट जाता है, तो दो हिस्से होंगे, तो इसके दो हिस्से होते हैं, दो टुकड़े होते हैं, तो एक तो एनोड पर मुक्त होता है, एक कैथोड पर मुक्त होता है, क्योंकि विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए दो टर्मिनल लगाने पड़ते हैं, कैथोड और एनोड। जब उसका हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये टूट जाता है, इसे कहते हैं विद्युत अपघटन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, इसके बाद पढ़ेंगे। नेक्स्ट है, ऊष्मीय अपघटन, ना ऊष्मीय अपघटन यानी हीट, हम उसको गर्म करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब किसी यौगिक को ऊष्मा या गर्म किया जाता है तो वह अपघटित होकर छोटे छोटे अणु उत्पाद के रूप में बनाता है। यानी हम इसको किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो वह छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है। जैसे हम बात करें कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, नाम क्या है इसका, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। हमने सूत्र भी पढ़े थे Ca+2CO3-2। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं, गर्म करने पर, गर्म कैसे करेंगे, ऊष्मा देंगे हम उसको, गर्म करने पर क्या बनता है, ये टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में CO2 में, ठीक है। तो उत्पाद के दो अणु बन गए, यहाँ पर क्या हुआ, इसको तो कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड और ये है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड, ठीक है। तो ये दो उत्पाद में टूट जाता है, तो ये अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। तो ये हो गई हमारी ऊष्मीय अपघटन। अब थर्ड है, जो सी है, तीसरा प्रकार है हमारा, वो है प्रकाशिक अपघटन। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, स्क्रीनशॉट लेने के बाद थर्ड अपघटन पढ़ाएंगे, प्रकाशिक अपघटन। यानी वो अपघटन क्या होता है कि जब हम पदार्थ को सूर्य के प्रकाश में, यानी जो प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करता है और अभिकारक के अणुओं को तोड़ देता है तो उसे प्रकाशिक अपघटन कहते हैं। प्रकाशिक अपघटन में इसकी डेफिनेशन लिख लो कि जब यौगिक, तो इस अभिक्रियाओं में इन अभिक्रियाओं में यौगिक प्रकाश ऊर्जा, ठीक है, सूर्य का प्रकाश भी हो सकता है, प्रकाश ऊर्जा ग्रहण कर छोटे छोटे उत्पाद अणुओं में टूट जाता है। तो इन्हें क्या कहते हैं, प्रकाशिक अपघटन अभिक्रियाएं कहते हैं। तो इनमें क्या होता है, जैसे मान लो ये HBr है, ठीक है, इसको सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रख देते हैं, ऐसे H-nu लिखते हैं उसको, ये क्या होता है, सूर्य का प्रकाश, जहाँ पर आए वहाँ पर
एच न्यू लिख देते हैं ना, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में एच बी आर यानी एक अभिकारक का अणु है, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड। हाइड्रोजन ब्रोमाइड अपघटित हो जाता है और क्या बनाता है, एच टू प्लस में बी आर टू, दो गैसों में बदल जाता है। यहाँ पर दो लगा देंगे, दो हाइड्रोजन हो गए, ब्रोमीन कितने हो गए, दो हो गए, तो संतुलित हो गई अभिक्रिया। ये क्या बन गए, उत्पाद के अणु बन गए। क्या बन गए, उत्पाद। और ये क्या है, अभिकारक। तो इस तरह से ये अपघटन अभिक्रिया होती है, तीन तरह से होती है। पहला था हमारा विद्युत अपघटन, दूसरा था ऊष्मीय अपघटन या ताप अपघटन भी बोलते हैं, तीसरा है प्रकाशिक अपघटन, यानी ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो ये अपघटित हो जाते हैं और क्या बनते हैं, दो छोटे छोटे उत्पाद में टूट जाता है। तो इस तरह से ये अपघटन अभिक्रियाएं कंप्लीट हो गई। तो हमने दो अभिक्रियाएं पढ़ी हैं इस वीडियो में, पहली थी योगात्मक अभिक्रियाएं और दूसरी है अपघटन अभिक्रियाएं। ये दोनों अभिक्रियाएं एक दूसरे के विपरीत होती हैं, ठीक है। योगात्मक अभिक्रियाओं में नया उत्पाद बनता है, जबकि इनमें क्या होता है कि जो एक अभिकारक है दो या दो से अधिक टुकड़ों में टूट जाता है। उसके टूटने के तीन कारण होते हैं, प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा। इस तरह से दोनों अपघटन अभिक्रियाएं और योगात्मक अभिक्रियाएं कंप्लीट हो जाती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड प्रकार की पढ़ेंगे, विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। तब तक के लिए धन्यवाद देखने के लिए वीडियो, थैंक यू वेरी मच। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।